नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेके आई हूँ आटे के गुलाब जामुन, वो भी आधा लीटर दूध में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आटे के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा लीटर दूध ले लेंगे। जब भी कोई मिठाई बनाए तो हमेशा फुल क्रीम का दूध लें और हम इनको गैस पर चढ़ा देंगे और चलाते हुए इसको हम गाढ़ा करेंगे। गैस हमने फुल रखी है और इसको चलाते हुए ही गाढ़ा करेंगे। दूध में हमारे उबाल आ गया, हम गैस को कर देंगे अब स्लो और दूध को चलाते हुए ही पकाएंगे और किनारों से जो ये जो दूध लग गया है उसको हटाते हुए चलाएंगे। धीरे धीरे ही अपने दूध को हम गाढ़ा करेंगे जिससे कि हमारे गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बने। दूध को हमारे उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं और एक हद तक गाढ़ा भी हो गया है। बस हमें इसे 2 मिनट और चलाएंगे इसी तरह से और फिर गैस बंद करेंगे। दूध हमारा अब गाढ़ा हो गया है, ये देखो इस तरह से हमें दूध को गाढ़ा करना है। अब हम कर देंगे गैस बंद और इसी तरह चलाते हुए हम दूध को थोड़ा ठंडा करेंगे। दूध को चलाते रहे नहीं तो इस पर मलाई बन जाएगी जिससे कि हमारे गुलाब जामुन ख़राब हो सकते हैं, इसलिए चलाते हुए हम ठंडा करेंगे। हमने चलाते हुए अपने दूध को ठंडा कर लिया है और अब चलते हैं, हम पहले चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी शक्कर, 1/2 कटोरी को नाप के हम 1.5 कटोरी पानी लेंगे। फुल फ्लेम पे इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि हमारी चीनी नीचे ना लगे। अगर चीनी नीचे लग जाएगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर चलाएं इसको पहले। ये हमारी चाशनी बन गई है, इसको चेक करने के लिए और थोड़ा सा ऐसे लेंगे और इस तरह से ये थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। ये चिपचिपी हो गई, हमारी चाशनी हो गई तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची के दाने जो हमने कूट लिए थे। अब इसको हम बंद कर देते हैं गैस को और ढक के अलग रख देते हैं। अब बनाते हैं अपने गुलाब जामुन। ये हमारा दूध बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। आटा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे कि हमारा बैटर गाढ़ा ना हो ना ही पतला रहे, इसलिए हम 1-1 चम्मच करके अपना आटा डालेंगे। पहले हम 2 चम्मच डालते हैं और इसको अच्छे से मिलाते हैं। एक चम्मच और आटा डालते हैं। इसको भी इसी तरह से मिक्स करते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच और आटा डालते हैं। ये हमारा बैटर थोड़ा सा ढीला है, हम इसमें 1 चम्मच आटा और डालेंगे।
इसी तरह से हमें आटा डाल धीरे धीरे डाल के चलाते हुए मिलाएंगे, जिससे कि हमारा आटा परफेक्ट बने। गुलाब जामुन बनाने के लिए एक साथ डालने से गाढ़ा हो जाएगा बैटर, इसलिए हम धीरे धीरे डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारा वैसे आटा सही हो गया है, इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच ही 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम खाने वाला सोडा, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ा हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इस तरह से मिला लेंगे अच्छी तरह से, 1 चम्मच घी लगाकर अपने हाथों में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इनकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। तो मैं तेल लगा के हम छोटा छोटा आटा लेंगे, छोटी छोटी ही लोइयां बनाएंगे। ये हमारी सारी बोल बन के तैयार हो गई है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। हमने तेल रख दिया है गैस पे, ये तेल हमने पहले रख दिया था गैस पे, और हम उसको गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो और अपने गुलाब जामुन फ्राई करते हैं। इस तरह से एक एक करके गुलाब जामुन डालते जाएंगे। इसको हम धीमी आंच में पकाएंगे, जिससे कि हमारे ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, और ये इनको हिलाते हुए हिला देते हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे कि ये चारों माए अच्छे से पक जाए। हमारे गुलाब जामुन उसमें ऊपर से भी कलर अच्छा आ गया है, अरे अब अंदर से भी पक गए होंगे। अब हम उनको निकाल लेते हैं और अपनी चाशनी में डाल देते हैं। डाल देंगे, चाशनी हमारी गर्म है, और इसको हल्की गर्म चाशनी में ही डालेंगे। सारे गुलाब जामुन हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस चाशनी में ही अपने गुलाब जामुन को करीब 1/2 घंटा रखेंगे, और उसके बाद हम सर्व करेंगे। ये हमारे गुलाब जामुन बनके रेडी हो गए हैं। अब हम आपको एक कट करके भी दिखाते हैं। ये हमारे गुलाब जामुन देखो कितने रसीले बने हैं, एकदम सॉफ्ट रसगुल्ले गुलाब जामुन बनके तैयार हुए।